आपने वो लाइन कहीं लिखी हुई पढ़ी होगी इंटरनेट से कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, इंसान के अंदर कोई स्किल हो, हैबिट हो, हर जगह ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भले कम चीज़ें करें, बजाय बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के जो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जैसे किसी इंसान को हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पता नहीं किसी चीज़ के बारे में, थोड़ा थोड़ा पता है हर चीज़ के बारे में, तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है। और एक इंसान है जिसको पता है, वो एकदम अच्छे से पता है, कम चीज़ें पता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्वालिटी नॉलेज है। लेकिन मेरा एक सवाल है उसे अच्छे से समझना। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दो बार दो दो रन लो, उससे अच्छा है कि आप एक होम रन ले लो, जिन्होंने एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स में इतनी गजब की क्वालिटी दे रखी है। यानी अगर आपको भीड़ से कुछ अलग करना है तो आपको क्वालिटी देनी होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो, जॉब करने की सोच रहे हो, आपको हर जगह क्वालिटी देनी आनी चाहिए। अब मेरा सवाल है, ये क्वालिटी आती कहाँ से है? हम कहते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तो ये क्वालिटी आती कहाँ से? किसी भी काम में, कोई भी एक्टिविटी में, चाहे वो एक्सरसाइज करना ही क्यों ना हो, एक होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगा रहा है, और एक है कि जो कम लगा रहा है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लगा रहा है, क्वालिटी तरीके से एक्सरसाइज लगा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगी। तो कोई बंदा क्वालिटी एक्सरसाइज वाले जोन में कब आएगा, किसी भी काम में क्वालिटी वाले जोन में कब आएगा, क्वालिटी काम करना कब शुरू करेगा? क्वालिटी आती है क्वांटिटी से, क्वांटिटी यानी जितनी बार आप वो चीज करते हो उससे। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 तरीके पता करे जो काम नहीं करते। यानी किसी भी काम में, किसी भी चीज में, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक्शन को लेने में, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो या फिजिकल एक्टिविटी हो, हर जगह जितने ज्यादा सेम एक्शंस लिए जाएंगे, एक्शंस की जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, उतने तरीके आपको पता लगेंगे कि अब इसको कैसे करना है और कैसे बेटर बनाना है। बहुत ऑब्वियस बात है, सब जानते हो, आप सबको पता है, मैं जानता हूं, तो करते क्यों नहीं हो? जैसे आपने ये भी सुन रखा होगा कि ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस करी, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करी हो। तो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, उसकी वो चीज पॉलिश होगी। कहां टैलेंट चाहिए, कहां दिमाग चाहिए, कहां सपोर्ट चाहिए, कहां पैसा चाहिए? आप कोई भी टॉपिक पकड़ो, कोई भी करियर का सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें भर भर के आपका इंटरेस्ट हो, उसमें एक चीज के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। अपने आप से बोलना है कि मुझे ये काम करना है किसी भी हाल में, और इसे करने में किसी ने अगर 1,000 प्रैक्टिस करी है तो मैं 10,000 बार प्रैक्टिस करूंगा। इतनी क्वालिटी लेकर आऊंगा कि लोगों की आंखें छून दिया जाएगी, पागल हो जाएगी, ये कैसे कर लिया, अरे ये कैसे बना लिया, अरे ये कैसे बना दिया, वो कैसे बना दिया करेंगे लोग। लोग वीडियो डालेंगे आपकी इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर स्टोरी में, टिकटॉक पे, लोग ही आपको पॉपुलर कर देंगे। लेकिन पहले आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी किसी भी काम को करने में। आप अपनी लाइफ में बड़ा करोगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, क्या टैलेंट है, क्या हैबिट है, क्या स्किल है, अपनी बॉडी और माइंड का यूज़ करके आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसे वाकई में क्वालिटी कह सकते हैं। हर इंसान अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहता है, हर इंसान अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता है, हर इंसान अच्छी दुकान से सामान खरीदना चाहता है, हर इंसान अच्छा फोन यूज करना चाहता है। यानी इंसान उसी तरफ जाता है जहां क्वालिटी अच्छी मिलती है। और अगर आपको भी चाहिए कि लोग आपके पास आए, तो आपके पास भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी कैसे आएगी, क्वांटिटी से। यानी जब वो आप बार बार करोगे, जब उस काम को करने की क्वांटिटी बढ़ाओगे। क्वालिटी के पीछे मत भागो, क्वांटिटी के पीछे भागो, क्वालिटी झक मार के पीछे आएगी।